नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल थापक जीवक्ति में। दोस्तों आज हम आपको उज्जैन के प्रसिद्ध एवं प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन कराने आए हुए हैं। दोस्तों आपको अगर ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करने हो तो हमारी प्लेलिस्ट टेम्पल टूर में जाके आप बहुत सारी मंदिरों के दर्शन की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों श्री काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक बाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। बाम मार्ग के मंदिरों में मांस मदरा, बलि मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रिया करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मंदिर मदरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा है। दोस्तों काल भैरव के मदरापान के पीछे के राज को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। वीडियो से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं, उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जाँच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद बेबी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदरा को बायन के नाम से जाना जाता है, जो आज तक सब लोग देसी मदरा को बायन के रूप में ही जानते हैं। तो श्री काल भैरव को मदरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की मान्यता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदरा चढ़ाई जाती है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि कितने भक्त बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। चलिए चलते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी और भक्ति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।